और अगली बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। मौसम से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और सभी जिलों में स्कूल बंद करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है और आपदा सचिव प्रबंधन ने सभी डीएम को भी निर्देश दे दिए हैं। बड़ी जानकारी मौसम से जुड़ी हुई है उत्तराखंड से। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अगले 3 दिनों तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। गोविंद चौधरी संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जो है 11 और 12 तारीख में जो है यहाँ पर तेज अधिक वर्षा के चलते जो ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार पर्वतीय जिलों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक लगातार मौसम का कहर है, कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज पूरे उत्तराखंड में बदला हुआ है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो पर्वतीय जिले हो या मैदानी क्षेत्र हो, लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ। कहीं ना कहीं जल भराव के चलते सड़कें जो है तालाब में तब्दील होती तस्वीरें नजर आती हैं। कहीं ना कहीं जब अब जो लगातार जिस तरह से पहाड़ों में वर्षा हो रही है तो कहीं ना कहीं जब मैदानी क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, तो तमाम जो सड़कें और कॉलोनियां जो है अब जो है पानी से खटाखट बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अब मौसम ने एक बार फिर जो है 12 तारीख तक जो है ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। खुद अगर बात करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी तमाम जो इस पूरे विभाग आपदा केंद्र पर नजर बनाए हुए, साथ ही जो चार धाम यात्रा करने वाले जो श्रद्धालु है खासकर मौसम को देखते हुए ही चार धाम यात्रा करें, ऐसी अपील मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। साथ ही उसकी अगर बात करें तो किरण, अभी पर्वतीय जिलों की अगर हम बात करें तो कम से कम 141 ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से बाधित हैं, पूरी तरह से छूट चुकी हैं, लेकिन अभी रविवार देर शाम की अगर हम बात करें तो ऐसी 70 सड़कों को हालांकि खोल दिया है, लेकिन अभी भी पर्वतीय जिलों में 170 ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से अभी अवरुद्ध चल रही है। तमाम जो है विभाग जो है सड़कें खोलने का कार्य कर रहा है, तमाम विभाग इसमें मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, तो कहीं ना कहीं ऐसी सड़कों को खोलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर अगर मैं हरिद्वार जिले की बात करूं तो हरिद्वार जिले में इस समय सबसे ज्यादा तेज जो बारिश देखी जा सकती है, क्योंकि रुक रुक कर बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्र है उस मैदानी क्षेत्रों में कई ऐसे लोग रहते हैं। गोविंद, मैं आपको रोकना चाहूंगी और इस बीच विक्रम सिंह मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, खबर फास्ट पे आपका बहुत स्वागत है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और 3 दिन के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। सर, मैं आपसे मौसम से जुड़ी हुई जानकारी चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए आज 10 तारीख आपकी है और उत्तराखंड में जो मौसम है वो बदला हुआ है, बारिश लगातार मिली रही है और जो मेन एक्टिविटी है मैं कहूंगा कि आज रात से शुरू हो करके और परसों दिन तक जो है रहने वाली है, करीब आप ये कह सकते हैं कि 36 आवर्स के अराउंड जो है या 40 आवर्स के अराउंड ये एक्टिविटी रहेगी और कल सड़क को देखें तो पीक पर रहेगा 11 को जो है। और ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के जो कि हिमाचल से लगे हुए हैं उनमें तो लगातार बारिश कल से भी चली रही है और आज भी मिल रही है, तो उनमें तो कहीं ना कहीं दिक्कतें और बढ़ेंगी अभी भी जो है। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें भी आज रात से और कल दिन भर ये एक्टिविटी बनी रहेंगी और परसों दिन भर जाकर के इसमें कमी आएगी, तो कहीं ना कहीं जो अगले 24 से लेकर 36 घंटे है उसमें अच्छी वर्षा मिलने वाली है, हैवी से वेरी हैवी रेन मिलेगी प्रदेश में और उसके लिए हमने जो जो अलर्ट है ऑरेंज अलर्ट अभी ऑलरेडी रखा ही है, लेकिन देखेंगे कि कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता हम अभी उसको करेंगे, तो क्योंकि एक्टिविटी वो मिलने वाली है जो अभी तक पश्चिम विक्षोभ और मानसून सिस्टम का जो इंटरेक्शन था जो कि हिमाचल में था, लेकिन अब वो शिफ्ट होकर अब उत्तराखंड को एक्टिविटी मिलेंगी, हालांकि उत्तराखंड में उतना ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी जो इंटरेक्शन ही होगा उससे जो हैवी वेरी हैवी रेन वो देखने को मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये जो अभी आज शाम रात तक में और कल दिन भर और परसों के दिन तक में जो है जो एक्टिविटी वो बंद रहेगी और हैवी वेरी हैवी रेन मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो जगह जगह बंद होंगे पहाड़ों में और जो लोअर लैंड एरिया है प्लेन्स के हैं तो उनमें जलभराव होगा और जो नदियां हैं वो भी उफान पर आएंगी, तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है जो ऐसी वंदेवर जगहों पर रह रहे हैं लैंड फ्लाइट से प्रभावित हो सकता है या जहाँ नदी नालों के आसपास जो रह रहे हैं उनको भी जो है
और सतर्क रहना है कि जिससे जान माल की हानि से बच सके। विक्रम सिंह जी, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी लोगों से अपील की गई है कि इस बारिश के दौर से आप दूर रहे, लेकिन क्या माना जाए कि इस परेशानी से कब तक लोगों को सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल 13 तारीख से बारिश में कमी है, हालांकि मध्यम बारिश हो उसके बाद, परंतु 13 से जो देखें 14-15 तक में 14 तारीख 2-3 दिन आगे जो है तो उसमें एक्टिविटी कम दिख रही और लाइट मॉडरेट एक्टिविटी होगी, लेकिन अभी जैसे मैंने बोला शाम रात से लेकर के और 12 तारीख के दिन तक देखने को मिलेगी। विक्रम सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो गोविंद इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, देवभूमि उत्तराखंड में लगातार चारधाम यात्रा भी जारी है और कावड़ यात्रा भी जारी है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से कितना यहां पर प्रबंधन किया गया है यात्रियों के लिए? बिल्कुल देखिए किरण, जिस तरह से लगातार मौसम का मिजाज बदला है, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फर्क जो है पर्वतीय जिलों में पड़ता है, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं ना कहीं मलबा गिर रहा है, सड़कें बाधित हो रही हैं, और उसके लेकर जिस तरह चारधाम यात्रा, हालांकि अब चारधाम यात्रा पे रात्रि को जो पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही हम अगर कांवड़ यात्रा की बात करें तो कांवड़ यात्रा जिस तरह से प्रथम चरण पर है और कहीं ना कहीं कांवड़िया का जो सिलसिला भी शुरू हो गए हैं कहीं ना कहीं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या पूरे हरिद्वार की, अगर धर्मनगरी की बात करें तो सड़कों पर पानी है, तो कहीं ना कहीं कांवड़ियों में दिक्कत हो रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से नगर पालिका नगर निगम के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं ढोकले अब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि समय है जिस तरह से नालों की सफाई नहीं हुई और उसी के चलते अब जल भराव है और सड़कें जो है अब तालाब में तब्दील होती नजर आ रही है, लेकिन खासकर जो फर्क पड़ा है वो मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा फर्क महसूस होता है, क्योंकि तक जो बारिश हुई है एक दो बारिश हुई है वो किसानों के लिए राहत बारिश थी, लेकिन अब जिस तरह से बारिश लगातार सिलसिला जारी है तो कहीं ना कहीं किसानों की जो फसलें वो जगल जलमगन होती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं लोगों की फसलें खराब हो रही है, तो इस लगातार जो बारिश कहीं ना कहीं किसानों की चिंता भी बढ़नी लाजमी, खासकर अगर मैं लक्सर की बात करूँ तो लक्सर के 2 दर्जन ऐसे गाँव है जो हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, और हालांकि देखने को मिल रहा है क्योंकि पूरे तरह से जो है अब जो है पानी जो है गांव के चारों तरफ है, और कहीं ना कहीं ये 2 दर्जन गाँव जो है जो लक्सर के बाला वाली गंगा तट से लगे हुए उनमें खतरा अब हालांकि मंडरा सकता है। जिला प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं यहां देखी जा सकती है, बाढ़ राहत चौकियों को यहां पर अलर्ट रखा गया है, साथ ही अंधेरा की टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह जिला प्रशासन बात कर रहा है, दावे कर रहा है कि अगर आपदा जैसी स्थिति आई तो कहीं ना कहीं राहत शिविर बनाए जाएंगे और राहत शिविरों में इन लोगों को ठहराया जाएगा। किरण, गोविंद, लगातार भूस्खलन की भी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या माना जाए कि अब तक कितनी घटनाएं यहाँ पर सामने आ चुकी है और प्रशासन को कितना नुकसान अभी तक हो चुका है? देखिए किरण, सबसे ज्यादा नुकसान जो पर्वतीय जिलों में होता है, पर्वतीय जिलों में जिस तरह खासकर जिस तरह लैंडस्लाइड होती है, चट्टाने गिरते हैं, कहीं कहीं मलबा गिरता है, कहीं ना कहीं अब जो जिस तरह से मैंने बताया 141 ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से बाधित हुई हैं, इसमें 70 सड़कों को हालांकि रविवार देर शाम तक खोला जा सका, लेकिन अभी तक ऐसी 170 ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से अवरुद्ध है, उन पर काम चल रहा है, कहीं ना कहीं जिला संपर्क मार्ग यहाँ पर टूट गए हैं, कहीं ना कहीं हाईवे नेशनल बंद हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों के जो संपर्क मार्ग थे, रास्ते थे, वो पूरी तरह से बाधित हो गए, कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। किरण, गोविंद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है देवभूमि उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी, और कई जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है।